आयोजक हैं पप्पू लोधी, भावी उम्मीदवार, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 18। इस खबर के प्रायोजक हैं वसीम अहमद सिद्दीकी, भावी उम्मीदवार, ग्राम प्रधान सराय छबीला। हम सब ने ठाना है गांव को स्मार्ट बनाना है, ग्राम सुनेहरा से। इस खबर के प्रायोजक हैं प्रधान पद के भावी उम्मीदवार मुशर्रत, पत्नी मोहम्मद इमरान, ग्राम प्रधान सुनेहरा से। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। बुलंदशहर में भाजपा की डिबाई विधायक अनिता सिंह लोधी ने भरी ग्राम चौपाल में दलित महिला को पीट दिया। इतना ही नहीं, विधायक के शह पर अपनी सियासी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए विधायक ने अपने पीआरओ न सिर्फ दलित महिला पर दुर्व्यवहार और गाली गलौज की धाराओं में FIR दर्ज करवाई, बल्कि पीड़ित दलित महिला के पति को भी पुलिस हिरासत में भिजवा दिया। वहीं पुलिस ने दलित महिला का चालान शांति भंग की धाराओं में कर दिया है। डिबाई SDM कोर्ट के बाहर आंसू बहाती है गीता। दरअसल बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक अनिता सिंह लोधी ने गांव बरेना में सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए कल शाम चौपाल लगाई थी। चौपाल में भाजपा की विधायक अनिता सिंह लोधी सरकार की योजनाओं का गुणगान कर रही थी कि चौपाल में अपनी शिकायत लेकर पहुंची गीता नाम की महिला ने विधायक से यह कह दिया कि गांव की याद 4 साल बाद आई है। इसी से खफा भाजपा विधायक की महिला से तू तू मैं शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि विधायक और उनके समर्थकों ने महिला की पिटाई कर 102 नंबर पर फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को कोतवाली उठा लिया और आरोप है कि जब महिला का पति सुबह लोगों के साथ कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने उसे भी कोतवाली में बैठा लिया। वहीं विधायक के PRO की तहरीर पर पुलिस ने महिला के खिलाफ गाली गलौज, अभद्रता और मारपीट के प्रयास की धाराओं में FIR दर्ज करवा दी। कुल मिलाकर बड़ा सवाल यह है कि जब आम आदमी के साथ जनप्रतिनिधि ऐसा व्यवहार करेंगे तो आम जन अपनी समस्या और शिकायत लेकर कहां जाएंगे। संवाददाता मोहम्मद इकराम की रिपोर्ट। अच्छा, विधायक ने मारा? हाँ, विधायक ने भी मारा। मतलब जब वो अपनी योजनाओं का बखान कर रही थी तो आप वहां पहुंची, आपको किस चीज को लेकर गुस्सा था, क्या सवाल किए थे आपने विधायक से? मैंने वो कही कि 5 साल में तो अब आई है, जब तेल आई है, जब तुम पहुंच गए वोट मांगे आएंगे। अच्छा, यही बात लड़ाई कर ली मैंने। अच्छा, इसी बात पे झगड़ा हुआ? दादा, ये डिबाई क्षेत्र के गांव में घटना हुई है, ये पूरी घटना कैसे हुई है, क्या जानकारी है आपको? सर, हमें पूरी घटना का मालूम नहीं। अच्छा, क्या आपको पता लगा है? जैसे कि चर्चा चल रही है, लगा जो है हमारी जो गांव की क्षेत्र की जो है जी औरत को उठा के ले गए जी, तो हमें मालूम पड़ा था हम कोतवाली डिबाई आए, तो उस महिला का हस्बैंड को भी पकड़ रखा है क्या? पहले नहीं पकड़ा था। हम कोतवाली आए उसके हस्बैंड को लेके भी, और वहां से हम 9:30 बजे गांव के लिए रवाना हुए। विधायक जी, कल आप अपने विधानसभा क्षेत्र डिबाई के गांव बरेना में गई थी, जहां किसी महिला ने आपके साथ कोई अभद्रता की, क्या है पूरा मामला बताएंगी? जी, इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल मैं अपने विधानसभा क्षेत्र डिबाई में गई हुई थी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर। तो वहां पे हमारे संगठन द्वारा प्रस्तावित एक कार्यक्रम था ग्राम चौपाल का बरेना गांव में। तो हम एक प्राथमिक विद्यालय में अपने जो हमारे बरेना गांव के जितने भी ग्रामीण हैं सभी सम्मानित जन आए हुए थे उस कार्यक्रम में, और हम हमारे संगठन के पदाधिकारी और हमारे सहयोगी हम सभी वहां पर उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और हम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो विकास कार्य हैं, उनके बारे में उनको अवगत करा रहे थे, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाएं विशेष रूप से महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो चल रही हैं, उनके विषय में हम बात कर रहे थे, और जो योजनाओं से संबंधित जो भी समस्याएं ग्रामीणों को आ रही हैं उन समस्याओं का निस्तारण कर रहे थे और उसके सुझाव दे रहे थे। अचानक ही कार्यक्रम के बीच में ही एक महिला गीता देवी नाम की महिला आती है और आकर मेरे साथ और मेरे साथ प्रमुख भी थी, ब्लॉक प्रमुख, उनके साथ अभद्रता करती है और अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली गलौज करने लगती है। हम रोकते भी हैं, हम पूछते भी हैं, हमारे सहयोगी उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम्हारी समस्या क्या है, बताओ। तो बजाय समस्या बताने के वो लगातार ही अपशब्दों का प्रयोग करती रही, गाली गलौज करती रही और बिल्कुल झगड़े पर उतारू थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें,
और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।